guys, welcome back to Manish Sharma Fitness channel and the today topic is types of whey protein. Whey protein three types ke hain. Number one pe hai whey protein concentrate. This type of whey protein is usually 80% of protein and the rest of the product consists of lactose, fat, carb, minerals and moistures. And baat kare hum iske digestibility ki, to ye slow digest hota hai comparatively isolate and hydrolyzed protein ke. Price wise bhi ye hydrolyzed and isolate se sasta hai, kam hai. And baat kare hum iske uses ki, to ye muscle gain and weight gain ke liye bahut acha hai. सेकंड नंबर पे है वे प्रोटीन आइसोलेट. वे प्रोटीन आइसोलेट एक और प्रोसेस से होके गुजरता है जिससे उसमें लैक्टोज और जो फैट है उसको कम कर दिया जाता है. एंड बात करें प्रोटीन की तो इसमें 90 से 95% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है एंड ये बहुत ही इजी एंड फास्ट डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है. बात करें इसके प्राइसिंग की तो ये कंसंट्रेट से स्लाइटली हायर है. एंड बात करें अब हम थर्ड प्रोटीन की वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड. वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड हाईली प्रोसेस से होके निकलता है जिस वजह से इसमें से लैक्टोज जो है निकाल दिया जाता है. ये लैक्टोज फ्री होता है एंड प्राइस वाइज बात की जाए तो ये दोनों ही प्रोटीन से आइसोलेट एंड कंसंट्रेट से कॉस्टली है. अगर बात करें इसके डाइजेस्टिबिलिटी की तो ये वे प्रोटीन की सबसे फास्ट इजीएस्ट एंड प्री डाइजेस्टेड फॉर्म है. अब बात करते हैं गाइस हमें इन तीनों में से कौन से प्रोटीन को लेना चाहिए बिकॉज बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम आइसोलेट लें, कंसंट्रेट लें या हाइड्रोलाइज लें. क्योंकि बहुत सारे जिम में जो कोच हैं वो अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं आप आइसोलेट लीजिए, आप हाइड्रोलाइज लीजिए, बट हम ये नहीं देखते कि प्राइस का कितना डिफरेंस है. तो गाइस अगर आपने जिम स्टार्ट किया है और आप कोई प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप वे प्रोटीन कंसंट्रेट ले सकते हैं बिकॉज वे प्रोटीन कंसंट्रेट एक तो आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज से कॉस्ट वाइज सस्ता है. एंड बात करें हम इसके अंदर पर सर्विंग में प्रोटीन की तो प्रोटीन का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 से 3 ग्राम का डिफरेंस है आपस में. लेकिन अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और बात करें इसके प्रोटीन की तो इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, इसमें आपको कार्ब भी मिल जाता है एंड फैट भी मिल जाता है. और बात करें हमें प्रोटीन कंसंट्रेट किसको नहीं लेना चाहिए तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट आपको तब नहीं लेना चाहिए अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है बिकॉज इसमें लैक्टोज पाया जाता है. कुछ लोगों को लैक्टोज की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, इस कंडीशन में आप आइसोलेट ले सकते हैं. और बात करें हाइड्रोलाइज की तो मैं बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको हाइड्रोलाइज प्रोटीन लेनी चाहिए बिकॉज ये दोनों ही प्रोटीन से बहुत ज़्यादा महंगी प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट है इसकी. सो गाइस आपको समझ आ गया होगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस का. एंड मेरी सुजेशन आपको यही है अगेन कि आपने अगर यूज़ करना है तो आप वे प्रोटीन कंसंट्रेट यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइस फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.